हेलो, हाँ जी, वेलकम करते हैं तुहाडा नर्सिंग करियर चैनल दे उत्ते। सो सारिआं नूं रिक्वेस्ट आ, वीडियो देखण तों पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिया करो तां कि हरेक नवीं अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। ते तुसीं जाणदे हो 24 जुलाई नूं बाबा फरीद वल्लों स्टाफ नर्स दा एग्जाम लिया जाणा। सो उहदे ते बेसिस आपां प्रायोरिटी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर कीते आ। मेन इदां दे ही क्वेश्चन एग्जाम दे विच पुट हुंदे आ। सो स्टार्ट करदे आ आपां अज दा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे विच हैगा, एन अडल्ट इज टू हैव अ ट्रकियोस्टमी परफॉर्म्ड, वट इज़ द नर्सिंग प्रायोरिटी। सो एक अडल्ट आ, उहदी ट्रकियोस्टमी होई हुई आ, प्रोसीजर होया है ट्रकियोस्टमी दा। सो एक नर्स दी प्रायोरिटी की बनदी आ? ऑप्शनस देख लैने आपां। ए, शेव द नैक। बी, इस्टैबलिश मीनस ऑफ कम्यूनीकेशन। सी, इनसर्ट अ फॉली कैथीटर। डी, स्टार्ट एन IV। सो ट्रकियोस्टमी क्लाइंट दी होई हुई आ, सो नर्स दी प्रायोरिटी की आ? इन्हां विचों की सही आंसर होगा? इस्टैबलिश मीनस ऑफ कम्यूनीकेशन, क्योंकि ट्रकियोस्टमी दा प्रोसीजर होया होया तो उन्हूं समझाउण दे विच दिक्कत आऊगी, तो आपां इस्टैबलिश मीनस ऑफ कम्यूनीकेशन उहदा इस्टैबलिश करना, यह एक नर्स की फस्ट प्रायोरिटी होगी। ये नाल रिलेटड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनस एग्जाम दे विच पुछे जाते हैं प्रायोरिटी वाइज। सो मैं जिन्हें भी हुण तक एग्जाम दिते ने उन्हां विच मोस्टली इदां दे ही क्वेश्चन पुट होए ने। सो सारे जाने वीडियो जरूर देखियो ते चंगी तरह प्रिपेयर कर लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs ने। नैक्सट मूव टू द सैकेंड क्वेश्चन। अ नर्स इज मैनेजिंग केयर ऑफ अ पीडियाट्रिक क्लाइंट फॉलोइंग रेनल ट्रॉमा। द नर्स शुड मोनीटर द क्लाइंट फॉर। सो एक पीडियाट्रिक क्लाइंट आ, उन्हूं रेनल ट्रॉमा होया है, मीनस किडनी दे विच ब्लड हो रहा वा। सो रेनल मीनस किडनी दे नाल रिलेटड वर्ड है रेनल। अगे द नर्स शुड मोनीटर, की नर्स मोनीटर करेगी क्लाइंट दा? ऑप्शनस ने ए, इलैक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। बी, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। सी, हाइपरटेंशन। डी, हाइपोटेंशन। सो रेनल ट्रॉमा दा पेशेंट आ, सो उहदी आपां परफ्यूज ब्लीडिंग देखनी आ, भी किडनी दे विचों ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा हैगा, ए नर्स दी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच नर्सिंग डायग्नोसिस शुड हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर एन इनफेंट न्यूली डायग्नोस्ड विद ट्रेसियो ट्रैक्यो इसोफेजियल फिस्टूला। सो एक नर्सिंग डायग्नोस आ, हाईएस्ट प्रायोरिटी आप देखनी आ, इनफेंट आ, एक बच्चा वा, उहदा डायग्नोस होया विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला होया होया। सो एक पासे ट्रैकी है, एक पासे इसोफेजियल आ, उहदे विच जिहड़ी गैप हो जाता वा, मीनस उहदे विच कुछ अटकण लग जाता, उहनूं आपां फिस्टूला कहने आ। सो उहदे विच जाण दे विच जदों कुछ भी उह इनहेल करेगा, खाऊगा, पीऊगा, तां उहदे विच जाके प्रॉब्लम आऊगी। सो आपां इहदे विच नर्स दी की फस्ट प्रायोरिटी होगी वह चैक करनी आ। ए, रिस्क फॉर इंपेयर्ड इनफेंट अटैचमेंट। बी, रिस्क फॉर इनफेक्शन। सी, रिस्क फॉर इंबैलेंस्ड न्यूट्रीशन। डी, रिस्क फॉर एस्पीरेशन। आपां इहदे विच एस्पीरेशन रिस्क नूं देखना वा, तां कि कोई चीज़ इनहेल ना होवे। नैक्सट फोर्थ, विच नर्सिंग डायग्नोसिस शुड अ नर्स गिव हाईएस्ट प्रायोरिटी वैन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विच डिप्रैसिव डिसऑर्डर। सो ये उन्होंने कहा भी एक क्लाइंट आ, उन्हों मेजर डिप्रैसिव डिसऑर्डर आ, बहुत ज़्यादा मेजर डिप्रैशन होया होया। सो नर्स दी की ड्यूटी बनती है, की हाईएस्ट प्रायोरिटी बनती है? ए, पावरलैसनैस। बी, पोटेंशियल फॉर स्पिरिचुअल डिस्ट्रैस। सी, पोटेंशियल फॉर सुसाइडल बिहेवियर। डी, डिस्टर्ब स्लीव पैटर्नस। सो एक क्लाइंट आ, उन्होंने डिप्रैशन होया होया, बहुत ज़्यादा मेजर डिप्रैशन आ। सो मेजर डिप्रैशन दे विच क्लाइंट की करदा, उन्हों आपदे सुसाइड दा होया रहिंदा भी मैं सुसाइड कर लाँ, वो आपदी जिंदगी तो बहुत ज़्यादा अक चुकिया हुंदा। सो इहदे विच आपां देखना भी किते वह सुसाइड ना कर लवे, उहदा कोई सुसाइडल बिहेवियर ना होवे। सो इहदे विच सी, पोटेंशियल फॉर सुसाइडल बिहेवियर अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बन दू
बनूंगी। नैक्सट सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट हैगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ च हैगा विच इलैक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुड बी द प्रायोरिटी कंसर्न फॉर अ नर्स वैन असैसिंग अ 10-year ओल्ड क्लाइंट डायग्नोस्ड विद अक्यूट रेनल फेलियर। सो एक 10 साल का बच्चा वा, उन्होंने डायग्नोस आ अक्यूट रेनल फेलियर का। सो आपां उहदी इलैक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के विचों आपां केड़ी प्रायोरिटी असैस करनी आ, ए हाइपरकलेसीमिया, बी हाइपोफोस्फैटीमिया, सी हाइपरकैलीमिया, डी हाइपरनैट्रीमिया। सो इन्हां विचों आपां इलैक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखणे आ। अक्यूट रेनल फेलियर आ किडनी दे नाल रिलेटेड। सो उहदे विच जदों किडनी च प्रॉब्लम हुंदी आ तां इलैक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दे विच आपां मेन की चैक करना हुंदा, सी हाइपरकैलीमिया, क्योंकि अक्यूट रेनल फेलियर होण दे नाल हाइपरकैलीमिया इलैक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुंदे आ। नैक्सट सिक्सथ, वैन असैसिंग द क्लाइंट विद हैड इंजरी, जदों क्लाइंट नूं असैस कीता वा तां उहदी हैड इंजरी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड रिसीव प्रायोरिटी अटेंशन। सो अपनी कीड़ी प्रायोरिटी अटेंशन होगी हैड इंजरी दे विच पेशेंट नूं, ए लंग्स साउंड, बी कलैरिटी ऑफ स्पीच, सी मोबिलिटी ऑफ फिंगरस, डी प्यूपिलरी रिस्पोंसिस। सो क्लाइंट दे हैड इंजरी हुई हुई है, सो आप इहदे विच आपां की रिस्पोंड चैक करांगे, इहदे विच प्यूपिलरी रिस्पोंस चैक करांगे, क्योंकि ये नर्व दे नाल रिलेटेड आ। प्यूपिलरी रिस्पोंसिस उहदा आपां चैक करांगे भी सही आ। नैक्सट सैवनथ, वट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ओपरेटिव पीरियड। पोस्ट ओपरेटिव पीरियड मीनस ओपरेशन तो बाद दे विच जिहड़ा हैगा पीरियड। सो नर्सिंग इंटरवेंशन देखनी है ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, तो बाद आपां की ज़्यादा चैक करांगे पेशेंट दा। ऑप्शंस देख लैने आ, मोनिटरिंग वाइटल साइंस, बी ऑब्जर्विंग फॉर हैमरेज, सी मेनटेनिंग पेशेंट एयरवे, डी रिकॉर्डिंग द इनटेक एंड आउटपुट। सो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन दे विच आपां बाद च देखना ऑपरेशन तो बाद भी उहदा एयरवे प्रॉपर हो रहा वा, ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनू। बाकी वाइटल साइंस हो गए, हैमरेज ऑब्जॉर्व करना, रिकॉर्ड करना भी इनटेक आउटपुट किन्ना, ये बाद दीयां गल्लां ने। सब तो पहला आपां जिहड़ा मेन आ मेनटेनिंग पेशेंट एयरवे ये चैक करना। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ने, 3-4 बार एग्जाम दे विच ये रिपीट हो चुके ने। इदां दे ही मोस्टली क्वेश्चनस आउंदे ने स्टाफ नर्स दे एग्जाम दे विच बाबा फरीद वालों, जो लिया जांदा प्रायोरिटी वाइज ही ज़्यादातर क्वेश्चनस पुट हुंदे ने इन्हां विच। नैक्सट 8th, विच नर्सिंग एक्शन हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर अ क्लाइंट इन द सैकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सो एक नर्स की की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी इन द सैकेंड स्टेज ऑफ लेबर दे विच, क्लाइंट आ उन्हों सैकेंड स्टेज ऑफ लेबर दे विच आया हो। सो एक नर्स की की हाईएस्ट प्रायोरिटी बनूगी क्लाइंट दे प्रति। सो ऑप्शंस देख लैने आ, हैल्प द मोनीटर पुश इफेक्टिवली, बी प्रिपेयर द मदर टू ब्रेस्ट फीड ऑन द डिलीवरी टेबल, सी चैक द फीटल पोजिशन, डी एडमिनिस्टर मेडिकेशन फॉर पेन। सो ये सैकेंड स्टेज ऑफ लेबर दे विच हैल्प द मोनीटर पुश इफेक्टिवली, सो जिहड़ी मदर आ पुश करूगी इफेक्टिवली, ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट 9th, द नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ रेडियम इम्प्लांट फॉर कैंसर ऑफ द सर्विक्स। नर्स आ केयर कर रही है एक क्लाइंट की, तो वह क्लाइंट नू क्लाइंट दे सर्विक्स दे विच रेडियम इम्प्लांट किया होया। सो उहदी की प्रायोरिटी होगी, की एक्शन होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन की होगा, ए स्टोर यूरिन इन लीड लाइन कंटेनर, यूरिन अप उहदा क्लाइंट दा वो लीड लाइन कंटेनर च स्टोर करूगी, ए भी नहीं हो सकता हैगा क्योंकि रेडियम इम्प्लांट होया हुआ कैंसर फॉर कैंसर ऑफ द सर्विक्स। सो बी रिस्ट्रिक्ट विजिटर टू आ 10-minute स्टे, सी वीयर आ लीड लाइन एप्रन वाइन गिविंग केयर, डी अवॉइड गिविंग इंजैक्शनस इन द ग्लूटल मसल्स। सो ए
रेडियोथेरेपीज़ लगनगियां। सो आपां रिस्ट्रिक्ट करना विजिटर नूं भी 10 मिनट 10 मिनट दे लई स्टे रहो। सो बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट 10th, द नर्स हैज़ जस्ट कंप्लीटेड एमरजेंसी डिलीवरी ऑफ अ टर्म इन्फेंट, वट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न एट दिस टाइम। सो एक नर्स आ, एमरजेंसी डिलीवरी हुई है टर्म इन्फेंट की, सो की फर्स्ट एक्शन होगा? ए कंट्रोलिंग हैमरेज इन द मदर, रिमूविंग द आफ्टर बर्थ, कीप द इन्फेंट वॉर्म, डी कटिंग द अम्बलाइकल कॉर्ड। सो एमरजेंसी डिलीवरी हुई है, ये बच्चे का जेड़ा टैंपरेचर होंदा अंदर होर होंदा ते बाहर आके होर होंदा, तो आप इमीडिएटली उनू वॉर्म टैंपरेचर दे विच देना होंदा। सो कीप द इन्फेंट वॉर्म। 11th, वट इज़ द प्रायोरिटी वैन द नर्स इज़ इस्टैबलिशिंग अ थेरापूटिक इनवायरमेंट फॉर अ क्लाइंट। सो नर्स की की प्रायोरिटी होगी थेरापूटिक इनवायरमेंट दे लई क्लाइंट नू, एक थेरापूटिक इनवायरमेंट देना क्लाइंट नू, की उहदी फर्स्ट ओह रहूगी प्रायोरिटी? ए प्रोवाइडिंग द क्लाइंट्स सेफ्टी, बी एक्सेप्टिंग द क्लाइंट्स इंडिविजुअलिटी, सी प्रमोटिंग द क्लाइंट्स इंडिपेंडेंस, डी एक्सप्लेनिंग टू द क्लाइंट वट इज़ बीइंग डन। सो नर्स ने थेरापूटिक इनवायरमेंट प्रोवाइड करना क्लाइंट नू, सो अपनी भी की होगी? आपां क्लाइंट नू प्रोवाइडिंग द क्लाइंट्स सेफ्टी, क्लाइंट दी सेफ्टी रहे, ये अपना भी एक प्रायोरिटी बन जूगी, इनवायरमेंट दे विच इनक्लूड हो जू। सो ए इज़ द राइट आंसर। काफ़ी बारे क्वेश्चन रिपीट होए ने, सो सारे जाने इदां दे क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करके जायो। 12th, द नर्स इज़ प्लानिंग केयर फॉर अ न्यूली बर्नड क्लाइंट। सो न्यूली बर्नड क्लाइंट आ, वट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग ऑब्जरवेशन टू बी मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 hours आफ्टर द बर्न। सो अपनी की प्रायोरिटी, अपना की आप की ऑब्जरवेशन करांगे फर्स्ट 48 hours आफ्टर द बर्न। सो एक बर्न क्लाइंट एडमिट होया वा, सो आप की प्रायोरिटी देखनी आ? ए आर्ली ब्लड प्रेशर चेक करना, बी असैसमेंट ऑफ स्किन कलर एंड कपिलरी रीफिल, सी आर्ली यूरिन मेजरमेंट, डी फ्रीकुएंट असैसमेंट फॉर पेन। सो ये आप आर्ली यूरिन मेजरमेंट करनी है, क्योंकि बर्न दे विच यूरिन का सब तो मेन रोल हुंदा वा। सो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आर्ली यूरिन मेजरमेंट, सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट 13th, वट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन एडमिशन ऑफ अ प्रीमी ग्रेविडा इन लेबर। सो प्रीमी ग्रेविडा इन लेबर दे दौरान प्रायोरिटी की होगी नर्स दी? ए मोनिटरिंग द फीटल हार्ट रेट, बी आस्किंग द क्लाइंट वैन शी एट लास्ट, बी ओने की खादा सीगा आप क्लाइंट नू ए आस्क करना, सी ऑबटेन द क्लाइंट हैल्थ हिस्ट्री आप ऑबटेन करनी है, डी डिटरमाइनिंग इफ द मैंबरस हैव रैप्चर्ड। सो अपनी मेन प्रायोरिटी आप फीटल दी हार्ट रेट चेक करनी है, ए इज़ द राइट आंसर। 14th, a toddler who has swallowed several adult aspirin is admitted to the emergency room. एक टोल्डर आ, सैवरल अडल्ट बच्चा वा, उन्हें टोल्डर बच्चा वा, उन्हें अडल्ट वाली मेडिसन च्यू की आ। सो जदों एडमिट होया, चाइल्ड इज़ ब्रीथिंग, ब्रीथ लै रहा सी, बट इज़ डिफिकल्ट टू अराउज, डिफिकल्ट हो रही सी उहदे लई। सो अपनी की प्रायोरिटी हो, इमीडिएट प्रायोरिटी आप की करनी है? एक बच्चे ने अडल्ट वाली मेडिसन च्यू की आ, सो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी की होगी? भी आप मेडिसन नू बाहर कढ़ीए। ए एडमिनिस्टर ऑफ सीरप ऑफ एपीएफ, बी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन नहीं देवांगे, वेंटिलरी सपोर्ट भी नहीं देवांगे, आप एकदम गैस्ट्रिक लैवेज प्रोसीजर स्टार्ट करांगे ताकि मेडिसन जो भी उन्हें खादा वा वो बाहर आ जाए। नैक्सट 15th, द नर्स इन द एमरजेंसी डिपार्टमेंट इज़ असैसिंग अ क्लाइंट हु हैज़ बीटन एंड सेक्शुअली असोलेटेड।
ਸੋ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਐਸੋਲੇਟਡ ਆ ਸੋ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਰਸ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਾ ਫੈਮਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਬੀ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕੋਪ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਅਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਪ ਕਰਨਾ ਵਿਦ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ